गुजरात में चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। ऐसे में सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी जुबानी जंग में गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर सियासी हलकों में घमासान मच सकता है। नितिन पटेल ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस आतंकी हाफिज सईद को भी पार्टी में शामिल कर सकती है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कांग्रेस पर गुजरात को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर पता चल जाए कि वो जीत सकती है तो आतंकवादी हाफिज सईद से भी हाथ मिला सकती है। नितिन पटेल ने कहा कि गुजरात चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रही है। अगर वो चाहे तो हाफिज सईद जैसे दूसरे पाकिस्तानी आतंकी से भी हाथ मिला सकते हैं। कांग्रेस को उन्हें निमंत्रण भेजने में कोई संकोच नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राहुल गांधी KHAM की थ्योरी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। KHAM क्षत्रिय हरिजन आदिवासी और मुस्लिम समाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। OBC नेता अल्पेश ठाकुर के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भाषण में कहीं भी पाटीदारों या दूसरी अनारक्षित जातियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस KHAM थ्योरी को वापस दोहराना चाहती है। नितिन पटेल का बयान एक ऐसे वक्त आया है जब बीते दो दिनों में BJP के दो नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस के समर्थन का खुला ऐलान किया है। नरेंद्र पटेल और निखिल सवानी ने BJP छोड़ी और हार्दिक पटेल का साथ देने का ऐलान किया। ये दोनों नेता नरेंद्र पटेल और निखिल सवानी गुजरात में पाटीदार आंदोलन के चेहरा रहे हार्दिक पटेल के साथी हैं। खास बात यह है कि नरेंद्र पटेल और निखिल सवानी ने BJP पर खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। नरेंद्र पटेल ने कथित तौर पर BJP की तरफ से मिले 10 लाख नकदी मीडिया को दिखाई थी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल उत्तर गुजरात से आते हैं और पाटीदार समुदाय से हैं। नितिन पटेल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, सहज हैं और मोदी के भी करीबी हैं। माना जा रहा था कि आनंदीबेन पटेल के हटने के बाद नितिन पटेल ही गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चर्चा है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की नाराजगी के चलते वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। DB Live की रिपोर्ट।